अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की, जो कि ताहा की बहुत फेवरेट है। और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत बहुत सिंपल हैं और बच्चों को भी अच्छी लगती है, बिकॉज़ इसमें स्पाइसेस ज़्यादा ऐड नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों की फेवरेट होती है, क्योंकि बच्चों को स्पाइसेस इतने पसंद नहीं होते। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, ऑनियन, ये है क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स और सिनेमन स्टिक्स एंड गार्लिक। अभी इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक पतीली में डाल के और पानी डाल के, मैं 2 ग्लास चावल बना रही हूँ, तो जितने ग्लास आप चावल बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल के बॉईल कर लें। तो 15 to 20 मिनट्स में चिकन बॉईल हो जाती है, सब मसाले डाल के मैं बॉईल कर लूँगी। दिस इज़ वेरी इजी रेसिपी, कोई भी बना सकता है। इट्स नॉट समथिंग स्पेशल जो मैं बना रही हूँ, बट क्योंकि ये तहा को बहुत पसंद है और वेरी इजी रेसिपी, तो आई थॉट के लेट मी शेयर विद यू। मे बी आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, तो लेट्स डू इट। अगर आपके पास कोई और अच्छी रेसिपी है जो बच्चों को पसंद है और बच्चे शौक से खाते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पुलाव। अब मैं पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और स्वीट में मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, बिकॉज़ बच्चे बोल रहे थे उनको कस्टर्ड खाना है चॉकलेट केक डाल के, तो कस्टर्ड बनाऊँगी जब तक ये बॉईल हो रहा है। साथ में सैलड चॉप करूँगी और रायता बनाऊँगी। एंड दिस इज़ द सिंपल, बिकॉज़ टुडे इज़ फ्राइडे और फ्राइडे को कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो आई थॉट के क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। नाउ आई एम गोइंग टू मेक कस्टर्ड, जो कि ये कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। कस्टर्ड के लिए दूध चाहिए, कस्टर्ड पाउडर और ये केक रोल्स हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है चॉकलेट केक, अगर कस्टर्ड में ऐड किया तो अच्छे से खा भी लेते हैं। सो लेट्स मेक इट क्विकली, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कस्टर्ड कैसा बना। एंड आई विल मेक सैलड एंड रायता ऑल्सो विद दैट पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं काम। जब तक हमारी यखनी बॉईल हो रही है हम ये सब काम करते हैं। आप सब भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में फ्राइडे में स्पेशली क्या बनता है, बिकॉज़ मेरे घर पे फ्राइडे पे स्पेशली कुछ ना कुछ चाहिए होता है सबको, क्योंकि हस्बैंड एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं सब घर पे हैं, छुट्टी है, सो लेट्स कुक समथिंग डिफरेंट और अच्छा। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्वीट में भी और ऐसे भी बनाती हूँ। तो आप सभी बताएं आपके घर पे स्पेशली फ्राइडे को क्या बनता है। तो चलिए ज़रा क्विक काम करते हैं और इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। ओके
जी, सैलड हो गई रेडी, कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। मैं जल्दी से इसमें ऑनियन, टू ऑनियंस जो हैं वो चॉप कर लूँगी, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, एक और बात बतानी थी, आज घर पे कर्टन्स आ रहे हैं मेरे रूम में, जो मेरा बेडरूम है, तो आज वो भी थोड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इसमें ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे। वी विल नॉट मेक इट डार्क पुलाव, जो कि नॉर्मली पुलाव का कलर होता है, तो ये पुलाव बनाएंगे और इसके अंदर टमाटर और जो ग्रीन चिलीज़ हैं थोड़ी सी वो ऐड करूँगी। एटलीस्ट इतना स्पाइस ऐड करना चाहिए बच्चों की फूड में, जो कि उनके लिए टेस्ट में भी अच्छा हो, और इतना वो फीका फीका खाना भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे यूज्ड टू हो जाते हैं। चिकन को अच्छे से इसमें भून लेंगे। चिकन को भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जो कि हमारी यखनी जो हम लोगों ने निकाली थी वो ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे। जैसे पानी बॉईल हो जाएगा, हम इसमें चावल डाल देंगे। नथिंग स्पेशल यार, जो सिंपली सबको पुलाव बनाना आता है वही है बस। इट्स जस्ट लाइक के ये कम मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा मसालों वाला पुलाव नहीं बनाती, बिकॉज़ बच्चों के लिए ज़्यादा मसाले कुछ स्पाइसेस ऐड करना बहुत वो हो जाता है। लो जी, चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद अब हम इसमें 10 से 15 मिनट देंगे और ये चावल रेडी हो जाएंगे। तब तक हम बनाएंगे रायता, जो कि टमाटर का रायता है, ओनली टमाटोज गाइस, टमाटो एंड योगर्ट, दैट्स इट, नो क्यूकम्बर, नो नथिंग एनीथिंग एल्स। और इसको चॉप करेंगे, इसमें कश करेंगे और रायता इज़ रेडी। अब हम रायता रेडी हो गया है, तो अभी हम पुलाव देखेंगे हमारा कहाँ तक पहुँचा। तो अभी पुलाव जो है ऑलमोस्ट दम पे जाने वाला है, तो हम इसको दम पे लगाएंगे। तो दम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे और उसके बाद पुलाव इज़ रेडी। सो लंच इज़ ऑलमोस्ट डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लंच इन्जॉय करेंगे। आई होप आप लोगों के घर पे भी आज कुछ स्पेशल बनाओ, तो आप भी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ लंच इन्जॉय करें, हम भी इन्जॉय करते हैं। प्लीज़ एवरी टाइम व्हेन यू सॉ समथिंग से तबारक अल्लाह, से माशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेने से बहुत बहुत बरकत होती है। तो आज जो है कर्टन्स आने वाले हैं, तो उसकी अपडेट दूंगी आपको। तो इंशाल्लाह, लो जी आ गए हैं कर्टन वाले अंकल भैया, जो भी वो लगा रहे हैं, फिक्सिंग चल रही है कर्टन्स की। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय मामा पापा साइड, दे आर बाइंग फॉर मी फुल बेडरूम सेट। ये अभी कर्टन्स आए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद आए हैं। फर्नीचर का ऑर्डर दे चुके हैं, फर्नीचर भी 10 to 15 डेज़ में आ जाएगा। तो कर्टन्स आ चुके हैं, तो ये कर्टन्स अभी आ गए हैं, तो मैंने उसकी अपडेट दी आपको। तो कर्टन्स के बाद इंशाल्लाह बेडरूम जब पूरा सेट हो जाएगा, तो आपको ज़रूर मैं टूर करवाऊंगी। आपको अगर देखना है मेरा बेडरूम कैसा है, और ये ग्रे कलर है, तो आपको फर्नीचर का कलर भी जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा फर्नीचर का कलर होगा। एनी गेसेस और समथिंग, प्लीज़ लेट मी नो। तो भैया बहुत अच्छे से सेट करें, उनका काम बहुत बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे एक ईरानी बाज़ार है जहाँ से हमने बनवाया है। दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब और इट्स लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद डबल कर्टन्स, सो आई होप इंशाल्लाह कैसे लगते हैं। मैं आपको फुल जब बेड सेट होगा ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता देखने का। तो आई होप यू गाइज लाइक इट। तो अभी हम लोगों का प्लान हो गया है बाहर जाने का, तो हम जा रहे हैं एक मॉल में। ये मॉल मैं आपको पहले भी विज़िट करवा चुकी हूँ, बट यहाँ पे कुछ नया स्पेशल ऐड हुआ है, वो है डांसिंग फाउंटेन। सो वी आर गोइंग टू वॉच दैट। ये ताहा की, आज ताहा की जैसे डिमांड चल रही है पूरा दिन, पहले यखनी पुलाओ फिर अभी यहाँ लेके जाओ, तो वही चल रहा है आज। तो आज वहाँ लेके जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, जो कि दुबई में भी है एज़ यू कैन सी। ऐसे दुबई में भी डांसिंग फाउंटेन है, तो अभी बहरीन में भी आ गए माशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस, और हमने काफ़ी इंजॉय भी किया, तो बहुत मज़ा आया। सो लेट्स इंजॉय विद मी कैसा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। आई होप यू गाइज डूइंग वेल इन योर होम, एंड प्लीज़ 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 घर पे रहिए, जो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ। तो स्टे सेफ, वेयर मास्क और लाइफ इंजॉय करें यार। कोविड ने तो कभी ऐसे ऐसे लगते जाना ही नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम प्रिकॉशंस लें और लाइफ को भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। बट मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क वेन एवर यू आर गोइंग आउट। लेट्स इंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डांसिंग फाउंटेन एंड सी यू सून।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.
Also, finally.